हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एग्री अपडेट्स एंड द स्विच प्रभात। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया मोस्ट पॉपुलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर के बारे में। GBPUT 23 के रिगार्डिंग काफी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, 23 का एग्जामिनेशन कब होंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, इसके अलावा कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, तो सब कुछ आज के छोटे से वीडियो में कवर करने वाला हूँ। UG PhD PhD ऑल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल की वीडियो को पूरा दिखेगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर आप लोग पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के रिगार्डिंग अपना चैनल प्यारा सा चैनल एग्री अपडेट पिछले 3 सालों से लगातार आप सभी की हेल्प करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। जो वहाँ पे हमारे बच्चे हैं, जो सीनियर जूनियर वहाँ पे हैं, सारे बच्चे अपन को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एंड आई होप कि अगर आपका ये ड्रीम कॉलेज होगा तो मैं इसमें अपनी तरफ से कंप्लीट आपकी हेल्प करूंगा इस ड्रीम कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो भाई वीडियो में बात करने वाले हैं एडमिशन कैसे होगा, सिलेबस क्या रहने वाला, PYQ कहाँ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगा 23 का, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से पढ़ने, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, प्लेसमेंट कैसा होता है, कोर्स कौन कौन से ऑफर किए जाएंगे, एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है और एकेडमिक फी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो यार बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से PPT प्रिपेयर की गई, PDF आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और एक गुड न्यूज है आप सभी के लिए, पंतनगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन UG एग्रीकल्चर के लिए प्रिपरेशन हमारे प्यारे से चैनल एग्री अपडेट्स के प्ले स्टोर के एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया गया है। तो आप सभी लोग अगर इंटरेस्टेड हो प्रिपरेशन GBPUT के UG कोर्सेज के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर रखा है, जाइए वहां से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा ISER UG CUET UG GBPUT UG के लिए एग्रीकल्चर का कोर्स। यानी कि जो भी बच्चे जीबी पंत का एग्जामिनेशन एग्रीकल्चर से देना चाहते हैं, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अटेम्प्ट करके देना चाहते हैं, वो सारे बच्चे हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको ऑफर की जाएगी, यहाँ पे मैं आपको मिलूंगा एज एग्रीकल्चर एजुकेटर। तो हमारा एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, आप लोग प्लीज़ इसको डाउनलोड कीजिएगा, काफ़ी सारे फ्री मटेरियल्स यहाँ पे मिलेंगे। एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि GBPUT UG का फ्री सैंपल पेपर मैं आपको यहाँ पे अपलोड करूँगा, यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल्स भी काफ़ी सारे मिलेंगे, काफ़ी सारे PYQ मिलेंगे। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट कि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के PYQ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आप सभी को पिछले 2017-18 के पेपर का सैंपल पेपर आप सभी का बिल्कुल फ्री शेयर कर रहा हूँ। उसके लिए आपको काम करना है, छोटा सा काम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर रखा है एप्लीकेशन का, जाइए डाउनलोड कीजिए और फ्री स्टडी मटेरियल में इसको चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, फटाफट जाओ और इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके एंजॉय करो स्टडी मटेरियल के साथ। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो UG एग्रीकल्चर के प्रिपरेशन में वो वहाँ पे हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। देखो, यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की पहली एग्रीकल्चरल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है। आप सभी को पता होगा ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में, ग्रीन रिवोल्यूशन की जन्मस्थली इसको बोलते हैं। ठीक है, यहीं से ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था और ये यूनिवर्सिटी ISER रैंक में कंटिन्यू, आप सभी को बता दूँ, कंटिन्यू फर्स्ट टू सेकंड पोजीशन पे रहता है। यानी कि इसकी जो पोजीशन है रैंकिंग के मामले में इंडिया में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ में ये पहले नंबर पे रहता है। चलिए एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की बात कर लेते 23 के लिए। तो ऑनलाइन फॉर्म आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में अवेलेबल करा दिया जाएगा, जैसा कि हर साल से होता आ रहा है। लास्ट डेट आपका थर्ड वीक ऑफ अप्रैल होने वाला है, उसके बाद लास्ट डेट विथ लेट फी टिल लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म मार्च के पहले सप्ताह तक रिलीज कर दिया जाएगा और आप सभी लोग अप्रैल के थर्ड वीक तक यानी 15 अप्रैल तक फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी जो बच्चे लेट होंगे उनके लिए एक हफ्ते का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो 15 जून को आप सभी का एंट्रेंस एक्सपेक्टेड हो सकता है यूजी के लिए। बाकी PG और MCA वगैरह कोर्सेज के लिए 16 जून को आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी जनरल OBC बच्चों के लिए 1200 रुपये लगते हैं, ST PH बच्चों के लिए 600 रुपये लगते हैं एप्लीकेशन फी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो। अब चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए लास्ट ईयर तक क्या होता था सीन कि 2021 तक केवल और केवल उत्तराखंड के बच्चे डायरेक्ट एंट्रेंस देके अप्लाई कर सकते थे, लेकिन पिछले साल से सिनेरियो चेंज हुआ, पंतनगर ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाई और वहां पे उन्होंने पेड सीट को भी ऐड किया। दैट्स मीन कि जो पेड सीट होगी उस पे अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी स्टेट से रहो, नेशनलिटी अगर आपकी इंडियन है
और या फिर NRI है, आप किसी भी पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी रहो, ठीक है, उत्तराखंड को छोड़ के आप कहीं से भी रहो, आप सभी लोग पेड सीट के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके पेड सीट का अलग से कटआउट बनता है, आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं जो उत्तराखंड डोमिसाइल के बच्चे हैं वो सारे बच्चे रेगुलर सीट पे अप्लाई कर सकते हैं और पेड सीट पे भी, लेकिन जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो केवल और केवल पेड सीट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट में अगर आपका एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स या बायोलॉजी सब पास आउट हो, मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और जनरल के लिए 47.5% मार्क्स ओबीसी एससी एसटी के लिए अगर आपके पास हैं ट्वेल्थ में, तो आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर मास्टर प्रोग्राम्स बात करें पीजी के लिए, तो अगर आपका मेजर कोर्स लाइक बीएससी एग्रीकल्चर हो, फिशरीज हो, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, होम साइंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, बीएससी फिजिक्स हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, कोई भी कोर्स अगर आपने यूजी से कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे कोर्सेज की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी के लिए, तो आप उसके बेसिस पे आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पीएचडी के लिए भी सेम है, अगर आपका पीजी कंप्लीट है तो आप आराम से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के साथ सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करता रहता है एग्री अपडेट। पिछले 4 सालों से आप सभी को बता दूं कि एग्री अपडेट्स पंतनगर ने काफ़ी सारे बच्चों को सिलेक्शन दिया है एज इन्फॉर्मेशन, तो आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं, बाकी प्रिपरेशन आपको करनी है, प्रिपरेशन करते रहिएगा, नोटिफिकेशन के लिए हम आपके साथ हैं। चलिए बात कर लेते हैं यूजी में कौन कौन से कोर्स ऑफर करती है यूनिवर्सिटी। तो जितने भी कोर्स यूजी में हैं सारे में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो पंतनगर का अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, बाकी और भी काफ़ी सारे मेथड हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। पहले बात कर लेते हैं यूजी कोर्सेज में, यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख रहे होंगे कि यूजी कोर्सेज में जो पहला हमारा कोर्स है बीबीएससी का, बीबीएससी में नीट के थ्रू भी एडमिशन होता है, बाकी पंतनगर अपना एंट्रेंस लेके भी अदर स्टेट और होम स्टेट के बच्चों को एडमिशन देता है। बीएससी एग्रीकल्चर, फिशरीज, कम्युनिटी साइंस, बायोटेक, फूड टेक, ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कि आपको आईसीएआर के थ्रू एडमिशन मिलता है, बाकी इसमें आप सभी लोग यूजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देके पंतनगर का एडमिशन ले सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं जिसमें कि आपको एडमिशन मिल सकता है पंतनगर एंट्रेंस के थ्रू, बाकी इसमें आपको जेईई मेंस का भी स्कोर ऐड करना पड़ता है। बीटेक एग्रीकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेस हैं जो कि आप सभी को एज अ जेईई मेंस मार्क्स के थ्रू, रैंक के थ्रू आपको ऑफर किए जाते हैं। बात कर लेते हैं पीजी में, तो पीजी में टोटल 11 मेजर एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जाते हैं विद इकोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, मेजर एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट, 3 मेजर फिशरीज कोर्स है, 4 मेजर होम साइंस के कोर्स हैं, 18 मेजर वेटनरी के कोर्सेस हैं, 15 मेजर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है, 2 मैनेजमेंट प्रोग्राम में एमबीए वगैरह को लेकर, 12 मेजर लाइफ साइंस के कोर्सेस हैं। इसके अलावा आपको एमसीए की कोर्सेस ऑफर की जाती है पीजी में और एमबीए का भी अपना कोर्स ऑफर किया जाता है जो कि कैट मैट के स्कोर पे मिलता है एडमिशन। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखो एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करें तो यूजी में सबसे पहले बात कर लेते हैं, टोटल 200 क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, 200 क्वेश्चन का जो वैल्यू होता है वो होता है 600 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन का डिविडिफिकेशन कैसे होता है, 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आएंगे, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 30 क्वेश्चन एप्टीट्यूड रीजनिंग जिसको बोलते हैं उससे रहेंगे, बाकी 70 हमारा कोर सब्जेक्ट, कोर का मतलब होता है कि मैथ या फिर बायो या फिर एग्रीकल्चर, इन तीनों में से कोई एक आपका रहेगा जिसमें 70 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 50-50 फिजिक्स केमिस्ट्री में यहाँ पर रहने वाले। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स, मैंने पहले बता रखा है कि 200 क्वेश्चन रहेंगे, 600 मार्क्स आपका रहने वाला है, बाकी चीजें आप सभी के साथ में आगे इन वीडियो में शेयर करता रहूंगा। ठीक है, यानी कि 200 क्वेश्चन 600 मार्क्स, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है जो कि आपके लिए ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1 मार्क्स निगेटिव मार्किंग होता है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपके चले जाएंगे, बाकी उस क्वेश्चन का भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है यूजी के लिए। मोड जो होगा वो ऑफलाइन टेस्ट होता है, उत्तराखंड के काफ़ी सारे सेंटर होते हैं देहरादून, पंतनगर वगैरह में, हर जगह सेंटर बनता है, हल्द्वानी वगैरह में भी, रुद्रप्रयाग में, बाकी जो ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे का होता है, 3 घंटे में आपका कंप्लीट पेपर करा लिया जाएगा। बात कर लेते हैं पीजी कोर्सेज के बारे में, तो पीजी को लेकर भी काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स आते रहते हैं कि यहाँ पे क्या हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न रहने वाला है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। टोटल 200 क्वेश्चन आपके पीजी में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजी का मैक्सिमम बच्चों को पता होता है लेकिन पीजी का साथ पता नहीं रह पाता। तो टोटल पीजी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, चाहे आप किसी भी
बैकग्राउंड किसी भी कोर सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन दीजिए, आपसे टोटल 200 क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। अब 200 में दो पार्ट होता है, जो पहला पार्ट होता है वो होता है 150 क्वेश्चन का, जिसमें कि आपका जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चन आस्क किया जाता है। लाइक अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हो पियंत्रनगर में, तो 150 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको जनरल एग्रीकल्चर, यानी कि जो आपने बीएससी एग्रीकल्चर लेवल की एग्रीकल्चर की स्टडी की हुई है, वो आपसे 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहता है, यानी कि टोटल बनते हैं हमारे 200 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, सेम एक नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि टोटल 600 मार्क्स के साथ एक नेगेटिव मार्किंग के साथ यहाँ पे आपसे पीजी में 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। जो बच्चे भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं या फिर देर से या फिर स्पीड में देख रहे हैं, वो लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बात कर लेते हैं यूजी में कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं। तो यूजी में बुक के साथ साथ हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ले सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। यू कैन बैकअप योर स्टडीज विद एनसीईआरटी बुक ऑफ 11th एंड 12th क्लासेस। एनसीईआरटी अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एनसीईआरटी से बेहतर आपके लिए कोई भी बुक नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर की कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सेम थिंग फॉर पीजी, के पीजी में आप कुछ अच्छे अच्छे बुक आते हैं। ठीक है, रीजनिंग के लिए आप आर्यस अग्रवाल की बुक को फॉलो कर सकते हो, 50 क्वेश्चन जो आते हैं। बाकी 150 क्वेश्चन के लिए आप जनरल एग्रीकल्चर बहुत सारे बुक आते हैं, अरुण कत्यान का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, एनआर सुंडा का बुक, इसके अलावा मुनिराज राठौर सिंह का बुक, नीरज प्रताप सिंह का, काफी सारे बुक आपको जनरल एग्रीकल्चर के कॉम्पिटेटिव लेवल के मिल जाते हैं। ठीक है, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या है, कुछ यहाँ पर टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है। सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, सिलेबस आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो अगर आप लोग पंतनगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एग्री अपडेट्स का ऐप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, फ्री में वहाँ पे काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप लोग सिलेबस रख लेते हो, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, बाकी अगर आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना, तो उसके लिए मैं आपको कंप्लीट हेल्प करूंगा। एंड इसके अलावा आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक हैं, उनको प्रॉपर टाइम आपको देना पड़ेगा। सिलेबस लेकर आप देखिए पहले उसमें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से वहाँ पे चीज़ें आस्क की जाती हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर भी सैंपल मैं आप अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग डाउनलोड कीजिए उसको, जाइए ज्वाइन कीजिए उस चीज़ को, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर फ्री में वहाँ पे मैंने अपलोड कर रखा है, उसको आप लेकर सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके अलावा आप अपने लैंग्वेज में अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो एवरी डे बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग। जो भी आप पढ़ोगे उसको डेली आप रिवाइज कीजिए। इसके अलावा किसी भी डाउट को हमें इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आस्क किए गए एग्जामिनेशन में, अगर आपको नहीं आ रहे हैं या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने बड़े लोगों की या टीचर्स की किसी की भी हेल्प लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं पीवाई को आपको कहाँ मिलेगा। ओनली फॉर यूजी कोर्सेज की बात करें, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको हमारे एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेप मैंने बता रखा है कि पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, गो ऑन एग्री अपडेट्स एप्लीकेशन ऑन प्ले स्टोर, चेक ऑल पीवाई क्यू जीबीयूटी सैंपल पेपर फ्री फॉर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स एंड ऑल सेक्शन सैंपल अवेलेबल। जीबीपीयूटी का सारा सैंपल पेपर आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री में मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको सेव कर लीजिएगा। बाकी आप सिलेबस लेकर, सिलेबस भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको सुटेबल हो वैसे अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी रेफरेंस डाटा हमने जीबी पंत की ऑफिशियल वेबसाइट से और उनके इन्फॉर्मेशन ब्रोचर से कलेक्ट किया हुआ है। बाकी बच्चों, अगर आपको किसी को कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी एग्री अपडेट सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो भी सोशल प्लेटफॉर्म का लिंक है, सभी जगह आप एग्री अपडेट 07 सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को आपको टाइम टाइम पे एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम पे अपडेट मैं देता रहूंगा। तो एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर उसको आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।